मुसलमान जब वजू करते थे क्या वो शिवलिंग के आगे नतमस्तक होते थे? ये कोर्ट के ऑर्डर भी जो दिए गए हैं ना, ये कनपट्टी में बंदूक रखवा के लिए गए हैं कि आटा कल आपको 50 रुपए किलो मिलेगा। और ये मोदी जी को सपना आया कि वहाँ पे शिवलिंग है, किसने बताया वहाँ पे शिवलिंग है? अपना वोट बैंक पक्का कर रहे हैं, ये सिर्फ 2024 इलेक्शन की तैयारी हो रही है। इनके पास एक मुद्दा राम मंदिर का है, अब दूसरा मुद्दा ज्ञानवापी मस्जिद का है। सर, ज्ञानवापी मस्जिद में जो वीडियोग्राफी हुई है उसमें एक पक्ष कह रहा है उसके अंदर शिवलिंग है, जो दूसरा पक्ष है मुस्लिम वो कह रहा है इसके अंदर जो है फुहारा है। देखिए, सबसे पहली बात तो पुरातत्व विभाग को इसमें बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए, वो जांच पड़ताल करेगा और उसके बाद पता लगेगा कि वो आपको पता होना चाहिए शिवलिंग है या फुहारा है। ये चीज तो देखो, सरकारें अपने पक्ष रख रही है और जो मुसलमान जाति के जो धर्म के लोग हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं। आज सोचने की बात यह है कि इतने समय से वहां पे शिवलिंग कर क्या रहा था, ये सोचने की बात है ना। क्या मुसलमान जब वजू करते थे क्या वो शिवलिंग के आगे नतमस्तक होते थे? ये सोचने की बात है। तो ऐसा उन्होंने वहां पे शिवलिंग को क्यों रहने दिया? अगर वहां पे शिवलिंग था भी तो जिन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी तो उन्होंने शिवलिंग को जिंदा क्यों छोड़ दिया? वो शिवलिंग को भी शहीद करते। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। इतने सारे सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप सोचिए ना, अगर जिन्होंने वो मस्जिद तोड़ा मुगलों ने, तो मंदिर तोड़ा मुगलों ने, वहां मस्जिद बनाई तो शिवलिंग क्यों छोड़ दिया? और अगर वो शिवलिंग है तो पूरा मुसलमानों ने उसको वहां पे अभी तक क्यों रहने दिया? और फिर अगर वहां पे वो है भी तो ये पुरातत्व विभाग की जानकारी में आना चाहिए, वो संज्ञान ले कि वो फुवारा है या वो शिवलिंग है। सबसे बड़ी बात, ये कोर्ट के ऑर्डर भी जो दिए गए हैं ना, ये कनपट्टी में बंदूक रखवा के लिए गए हैं कि कोर्ट को बीच में इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि भारत के संविधान में कोर्ट को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है, बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, इसलिए लोग चुप हो जाते हैं। इसलिए हमारे देश की सरकारें जितने भी मंदिर मस्जिद के मुद्दे होंगे उनमें कोर्ट को इन्वॉल्व करेगी, ताकि हमारे ऐसे बंदे भी अगर कुछ बोलने पाए तो लोग कहेंगे देखो ये तो कोर्ट में सवाल खड़ा कर रहा है, देखो ये सरदार तो कोर्ट के अगेंस्ट जा रहा है, ये तो संविधान के अगेंस्ट जा रहा है। ये चीज समझने की जरूरत है कि देश के लोगों को लड़वा करके, मंदिर मस्जिद में उलझा करके देश के जो मेन मुद्दे हैं उसको भ्रमित किया जा रहा है। आपने अभी देखा होगा निर्यात के ऊपर रोक लगा दी गेहूं के, आपको पता है ना ये मुद्दा क्यों है? ये निर्यात पे रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि जब हम लोगों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था तो आपको पता होगा कि हरियाणा में, पंजाब में कितने सारे खेत ऐसे थे कि जिनको अडानी अंबानी ने गोदामों में बदल दिया था, अपने वेयर हाउस बनाए थे, उन वेयर हाउस में उन्होंने अनाज को रखना था, पर आज किसान आंदोलन कामयाब हो गया और मोदी सरकार की हार होगी जिसकी वजह से वो गोदाम खाली के खाली पड़े रह गए। आज जान करके निर्यात को रोक लगाई गई है और ये निर्यात को रोक लगा के अडानी अंबानी को सौंपा जाएगा गेहूं, और वो गेहूं आज जो ये बोल दे कि महंगाई को कम करेगा, ये महंगाई को बढ़ाएगा और ये इतना बढ़ाएगा कि आटा कल आपको 50 रुपए किलो मिलेगा। अच्छा, मुस्लिम पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि किसी भी जो शिवलिंग होता है उसके अंदर छेद नहीं होता, उसके अंदर छेद पाया गया, जांच के दौरान उसमें सीख डाली गई थी, लगभग 30 फीट वो सीख अंदर गई है। देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात, वो मंदिर में अगर वहां तोड़ा भी गया था, वो शिवलिंग वहां पे अभी तक इतने सालों से क्यों थी? सबसे बड़ा सवाल ये है ना, वो इतने सालों से क्यों थी? अगर वो वहां पे थी तो मुसलमानों ने उसको मंदिर को क्यों नहीं दिया? ये सोचने की बात है। तो आज सबसे बड़ी बात यह है, और ये मोदी जी को सपना आया कि वहां पे शिवलिंग है, किसने बताया वहां पे शिवलिंग है, ये किसने जांच पड़ताल करी, ये चीज सोचने की बात है। ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दों को आगे रख करके अपना वोट बैंक पक्का कर रहे हैं, ये सिर्फ 2024 इलेक्शन की तैयारी हो रही है। इनके पास एक मुद्दा राम मंदिर का है जिनमें ये करोड़ों रुपए का गबन कर चुके हैं, अब दूसरा मुद्दा ज्ञानवापी मस्जिद का है जिसमें ये करोड़ों रुपए का गबन करके फिर मंदिर की वहां पे प्रावधान करेंगे कि मंदिर बनना चाहिए। ये सिर्फ अपना वोट बैंक पक्का कर रहे हैं क्योंकि इनको भी पता है कि आज हमारे देश का रुपया कहां चला गया है, इनको भी पता कि महंगाई किस हाल में पहुंच चुकी है, इनको भी पता है बेरोजगारी का क्या हाल है, इनको सब कुछ पता है सरकार को कि हमारे पत्ते जो हैं अगर खुल गए तो हमारे को जूते पड़ेंगे। तो ये अपने आप के जूतों को बचाने के लिए कि हमें जूते ना पड़े ये धर्मों के पासे फेंक रहे हैं, ये दूसरे शकुनी मामा बन चुके हैं, ये कोई भी पासा फेंकेंगे इनके पक्ष में गिरेगा। ये सबसे बड़ी बात है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मौलिक मुद्दे उनको छोड़ करके सिर्फ मस्जिद, क्योंकि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में नीच आदमियों की सरकार है इसलिए ऐसा हो रहा है। आज से पहले देश में सरकारें रही हैं वो सिर्फ मुद्दों की बात करती थी, धर्मों की बात नहीं करती थी, पर आरएसएस तो 1925 से संगठन है, आपको पता होगा 1857 की क्रांति में भी ये मुसलमानों की कह रहा हूं अंग्रेजों की दलाली करते थे, उनके साथ थे। तो इन लोगों ने सीखा है कि देश को बांटना कैसे है। ये 1947 में भी जो देश बटा था, हिंदू मुस्लिम अलग हुए थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, वो भी आरएसएस की देन है। मैं ये भी आपको बात बता दूं, आरएसएस ने शुरू से ही ये काम करा है कि देश को बांटा जाए और हिंदुओं को अपने समर्थन में लिया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश के अंदर 70-80% की आबादी हिंदुओं की है, अगर हमने हिंदुओं को अपने हाथ में रख लिया बाकी सारे लोग खफा हो जाए तब भी हम लोग जीतते जाएंगे, वोट बैंक बढ़ता जाएगा। इसका जीता जाता सबूत है, 39% वोट पड़े हैं सिर्फ यूपी में, 61% इनके अगेंस्ट पड़े हैं विपक्ष को, ये फिर भी सत्ता में आ गए, क्योंकि यही चीज लोगों को समझने की जरूरत है, ये हिंदुओं के वोट बैंक से अंधों में काना राजा बनके बैठे हैं। अच्छा, कानपुर के पार्षद हैं, उन्होंने बोला है कि जो कुछ 3 मंदिर उन्होंने ऐसे घोषित किए जो अवैध निर्माण से हुए हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, आज इतने मंदिर तो कितने वैसे ही टूट चुके हैं। आप अगर वाराणसी में जाओ तो वाराणसी में घाट घाट पे छोटे छोटे मंदिर थे, आज छोटे मंदिर में आस्था का प्रतीक नहीं होता क्या
क्या मूर्ति आस्था का प्रतीक नहीं होती? तो आज सोचने की बात है, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थान बनाए जाने के लिए इनको आस्था नजर आती है। जैसे राम मंदिर बना तो लोगों को वो आस्था का केंद्र रख रहा है, गली में मंदिर होता है वहां मत्था टेकने नहीं आएंगे, हजारों रुपए फूक करके राम मंदिर का मत्था टेकने जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को उसमें मनोरंजन दिखता है कि हम घूमने जा रहे हैं। आज वैष्णो देवी जाने वाले हजारों यात्रियों से मैं आपको बता दूं, उनसे पूछो ना कहां जा रहे हो, उनके मुंह पर यह शब्द नहीं होगा कि हम दर्शन पे जा रहे हैं माता रानी के, उनके मुंह पर शब्द होंगे वैष्णो देवी घूमने जा रहे हैं। आप ये चीज सोचो, ऐसे लोगों ने सवाल है और ऐसे लोग अंधभक्त कहलाते हैं। जो सच्चा हिंदू होगा वो ये कहेगा मैं माता रानी के मत्था टेकने जा रहा हूं, दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, पर जो नकली पाखंडी हिंदू होगा वो ये बोलेगा मैं वैष्णो देवी घूमने जा रहा हूं, आज घूमने जा रहा हूं। ये चीज सोचने की बात है। बड़ा सवाल यहां पे ये है ना, जिस तरीके से अवैध निर्माण पे जो है बिल्डोजर चल रहा है, क्या योगी सरकार मंदिरों पे बिल्डोजर चलाएगी? इनका कोई भरोसा नहीं है, ये सब जगह चला देगी। इनको वोट बैंक मिलना चाहिए, ये तो वहां पे साबित कर देंगे कि हां जी हम बिल्डोजर चला रहे हैं क्योंकि ये मंदिर अवैध था, इसकी जगह हम बड़ा मंदिर बनाएंगे, लोगों को लॉलीपॉप दे देंगे। आप ये देखो, ये आप रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया, किसने विरोध करा? सिर्फ दलितों ने किया ना विरोध। कितना विरोध किया दलितों ने उस समय रविदास जी के मंदिर तोड़ने पर? अपने घरों से हनुमान जी की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति सब उठा के सड़कों पर रख दी थी। उस समय हिंदू लोग कहां थे? उन मूर्तियों को लेके जाते अपने घरों में, उन जगहों पर जहां पर मूर्तियों को रखा गया वहां मंदिर बनाते। क्यों नहीं बनाए थे इन्होंने बीजेपी वालों ने? आज मैं आपको बता दूं, देश में दो तरह के हिंदू हैं, एक हिंदू बीजेपी के हैं, एक हिंदू एक्चुअल हिंदू हैं जो देश में आस्था में और भाईचारे में विश्वास रखते हैं, और बीजेपी वाले देश के भाईचारे को खत्म करने का काम करते हैं और देश में नफरत का व्यापार करते हैं। लेकिन सच्चे हिंदू तो बीजेपी वाले खुद को बताते हैं। सच्चे हिंदू नहीं है, सबसे बड़े पखंडी हैं। इन्होंने हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा के रखी हुई है, आज सारे मुद्दे दफन कर दिए। आज ये ताजमहल की बात करते, कुतुब मीनार की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं अगर तुमने खुदाइयां करनी है ना तो बेरोजगारी के करो कि बेरोजगारी के कारण कौन से हैं उनकी खुदाइयां करो। अगर आपको खोदनी है चीजें तो महंगाई की वजह से उस चीजों के बारे में जड़े खोदो कि पता लगे महंगाई की वजह क्या हो रही है। तुम बात नहीं कर रहे बेबुनियाद की, तुम बातें करते हो, देश को बांटने का काम करते हो, नफरत का व्यापार करते हो, धर्मों में लोगों को भिड़ा करके हिंदुस्तान में रोटियां सेक रहे हो। वो दिन दूर नहीं है कि इनके अंधभक्त इनकी धोती खोलेंगे। आपको याद होगा कि श्रीलंका में जो हाल हुआ है वही हाल हमारे देश के नेताओं का भी होने वाला है, बहुत जल्द इनको पकड़ा जाएगा। किसानों ने किया था ना बुरा हाल, जगह जगह पकड़ करके इनको धुन दिया था, आज वही हाल होगा, जगह जगह इनके बीजेपी के नेताओं को पकड़ा जाएगा और इनको धुना जाएगा। आप खुद डिबेट में बैठते हैं तो जो मौलिक मुद्दे उनको क्यों नहीं लेते? आज मैं डिबेट करके आ रहा हूँ सहारा न्यूज पे, और आज मौलिक मुद्दों पर डिबेट हुई है कि जो गेहूं का निर्यात है उसको आप कैसे देखते हो, आप उस चीज के बारे में क्या विचार रखते हो। आज सहारा न्यूज एक ईमानदार न्यूज चैनल है, जो हम उस डिबेट का हिस्सा रोज बनते हैं और उस डिबेट में हमेशा मुद्दों की बात होती है। ये धर्मों की बातें आपको जी नहीं आज तक में दिलेगी क्योंकि उन लोगों की रोटी ही इससे चल रही है। केजरीवाल पता है केरल में जाके ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे विकास करेंगे, रोजगार देंगे, और केरल वाला शिक्षा की बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा विकसित राज्य माना जाता है। देखिए आज मैं छोटी सी बात बताऊं, केरल वाले इसको भगा भगा के मारेंगे केजरीवाल को, शिक्षा की ये बात करेगा, क्योंकि आज केरल के लोग दिल्ली में भी रहते हैं, वो देख रहे हैं यहाँ पे क्या हाल है शिक्षा का। आप स्कूलों की बात कर रहे हो, सिर्फ चार स्कूल जो कनॉट प्लेस के, वो भी कांग्रेस के टाइम के अच्छे हाईफाई बने हुए स्कूल हैं, उनकी फोटो खींच खींच के उनकी एक वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे घुमाता रहता है। आप चलो मैं उत्तम नगर, आज भी लोग जमीनों पर बैठते हैं, बेंचों पर बैठते हैं, जो जमीनों पर बैठ करके दरियों पर बिछा बिछा के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, पानी नहीं मिलता बच्चों को वहां पे, मेरी बात सुविधाएं नहीं मिलती। आप क्या बात कर रहे हो, चाहे एमसीडी के स्कूल हो या दिल्ली सरकार के स्कूल हो, आज दिल्ली सरकारों के स्कूल के अंदर जो टीचर है वो नहीं आते। आपको मैं बता दूं, आज टीचरों को इन्होंने दिहाड़ी वर्कर बना के रखा हुआ है, तो टीचर वहां पे आके खुश नहीं है। हिंदी के टीचर को मैथ पकड़ा रखी है, मैथ का टीचर साइंस पढ़ा रहा है, ये हमारे देश का केजरीवाल कहते हैं सब कुछ अच्छा है, ये सिर्फ इसकी सोच में अच्छा है। और केरल की अगर आप बात करो, आज बहुत सारे मैं सारे राजनीतिक पार्टियों से निवेदन करता हूं कि जहां जहां केजरीवाल झूठा प्रचार कर रहा है आप उस झूठे प्रचार को खत्म करो, वहां पे जाकर के आप मुद्दों की बात करो। केजरीवाल मुद्दों की बात जरूर करता है पर वो मुद्दे भ्रम के मुद्दे होते हैं, वो मुद्दे सिर्फ, जैसे बीजेपी के पास एक धर्म का मुद्दा है तो केजरीवाल के पास भ्रम का मुद्दा है। अच्छा, लेकिन केजरीवाल तो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, पंजाब को दिल्ली मॉडल क्या है, दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली में ये मॉडल है कि कोरोना काल में लोगों को अस्पताल नहीं मिले, दिल्ली मॉडल ये है कि ऑक्सीजन नहीं मिली, दिल्ली मॉडल ये है कि बिजली के नाम पे जो कमर्शियल मीटर हैं उनके रेट इतने हाई कर दिए कि आप दुकान खोलो या ना खोलो 500 रुपए का पर्चा आपका कटेगा कटेगा। अगर आप दिल्ली मॉडल की बात करो तो वो ये है कि पानी अगर आप खोलोगे तो 15 मिनट के नल में पानी आएगा, उसमें से भी 12 मिनट आपको बदबू वाला नाली का पानी मिलेगा, 3 मिनट आप कैनी भरने जाओगे इतने में पानी चला जाएगा। ये है दिल्ली मॉडल। दिल्ली मॉडल ये है कि इनके नेता शराब का व्यापार कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल ये कि एक के साथ एक दारू बांटी जा रही है, दिल्ली मॉडल ये है कि रात को 3 बजे तक कैब खुलेंगे, बार खुलेंगे, कैबरे होगा, लोग
दारू पिएंगे और घर बर्बाद होंगे। दिल्ली मॉडल ये है कि हर 21 साल का 18 साल का युवक दारू की बोतल हाथ में लेके गलियों में नाचेगा, ये है दिल्ली मॉडल। जो शीला दीक्षित जी का दिल्ली मॉडल था वो ये था कि कितने अस्पताल बनाए, इतने स्कूल बनाए, इतने उन्होंने फ्लाई ओवर बनाए, वो फ्लाई ओवरों का जाल बनाया। केजरीवाल कहता है कि शीला दीक्षित जी का 400 करोड़ का फ्लाई ओवर में 300 करोड़ में बना के पूरा कर दूंगा, मेरी बात को सुनना। और आज उस फ्लाई ओवर से पानी भी चोता है प्रसादों का, ये हाल है। आप किसी भी चीज को 10 रुपए के काम को 5 रुपए में निपटाने की सोचोगे ना तो वो बिल्कुल अधूरा ही रहेगा और टूटा फूटा रहेगा और किसी दिन वो धराशायी होगा और हजारों आदमी फ्लाई ओवर के नीचे मौत के घाट सो जाएंगे। आपने महंगाई की बात की है, 24 सालों में महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी है, 15% महंगाई बढ़ी हुई है। अभी महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि 70 रुपए का कच्चा भी आज 120 रुपए का हो गया है। आदमी इतना मजबूर हो चुका है, एक धोता है एक सुखाता है वही पहनता है। आज लोगों के हालात हो चुके हैं, महंगाई की इस कदर बढ़ चुकी है कि आदमी को 6 रोटी की भूख है तो 4 रोटी खा करके 3 गिलास पानी पीता है तो हरी मिर्ची चबाता है। महंगाई का ये हाल है। महंगाई का ये हाल है कि रात को सब्जी लेने जब एक औरत घर नहीं निकलती है तो वो ये मार्केट में नहीं देखती कि मेरा पति खुश होकर खाएगा, वो ये देखती है साला मार्केट में सस्ता क्या मिलेगा। महंगाई का ये हाल है। आधा किलो अगर आलू उबाले जाते हैं तो 2 किलो पानी डाला जाता है आलू के अंदर। महंगाई का ये हाल है। महंगाई का ये हाल है। जो पेट्रोल और साइकिल चलाने वाले लोग थे वो आज साइकिलों पर आ चुके हैं। महंगाई का ये हाल है कि लोग खून की बोतल बेच बेच के घर चला रहे हैं। अस्पतालों में जाओ 500-500 रुपए में खून बिक रहा है। महंगाई का ये हाल है। अगर आज आप अपना गुर्दे के लिए 5 लाख रुपए किसी को दोगे तो मैं 500 आदमी खड़ी कर दूंगा जो अपना गुर्दा आपको देने को तैयार होंगे। ये महंगाई का हाल है। और यही महंगाई का हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि कब्रिस्तान और शमशान के अंदर दफनाने के लिए जो एक मेहनताना होता है लोग वो भी अदा नहीं कर पाएंगे। घर की छत पे जाके पुराने गद्दों में रुइयों में डाल करके अपने घर के बंदों को फूंक देंगे। ये है महंगाई का। देश का वो पत्रकार जो एसी में बैठा कोट पहन के बैठा रहता है उनको ये मुद्दे नहीं दिखते। उनको मुद्दे कहाँ से उनको गांधी की शक्ल में मोदी नजर आता है, उनको नोटों का बैक नजर आता है जो एक डिबेट के बाद उनका वेट करता है, वो डिबेट करके बाहर निकलते हैं। आपने फिल्में देखी है पुरानी, जब एक स्मगलिंग होती थी एक हाथ में बैग होता था और एक हाथ में चरस गांजा होती थी, तो आज वही वाली बात है। एक हाथ में देश के मुद्दे बेचे जा रहे हैं और दूसरे हाथ से नोटों के थैले लिए जा रहे हैं। ये हमारे देश की नेशनल मीडिया है। और मैं चौड़े में बोलता हूँ, अमन चोपड़ा, अनीश देवगन और जो ये महिलाएं हैं आपकी, जो अंजना ओम कश्यप वगैरह, ये सब उस थाली के चट्टे बट्टे हैं जिन्होंने देश को बेचने का काम किया है। सबसे पहले इनके ऊपर आरटीआई लगानी चाहिए और पूछना चाहिए कि तुम्हारी 50,000 रुपए की नौकरी से तुमने 500 करोड़ रुपए का महल कैसे बना लिया। ये देश के लोगों का। अर्णब गोस्वामी को तो महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छे से छिला था, और आप थोड़ा समय और रह जाओ, इसे कद्दूकस पे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसे कद्दूकस पे बिठा के छिला जाएगा। ये इस वक्त किसी का नहीं रहता, आप ये बात याद रखना। आपने उनका जो वो थे हमारे मशहूर शायर जो मरहूम हो चुके हैं अभी, राहत इंदौरी साहब, उनका वो सुना है ना, यहाँ सब किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल, समझ रहे हो बात, मिट्टी के अंदर। तो वही वाली बात है, सब किराएदार है, किसी का जाति मकान नहीं है। आज ये कुर्सी से उठेंगे कल कांग्रेस के बैठेंगे, कल कांग्रेस के उठेंगे तो कहीं और बैठेंगे। आप इस चीज को समझो, ये हिंदुस्तान सिर्फ लोकतंत्र से चलेगा, हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, और संविधान और लोकतंत्र सभी पार्टियों को बार बार मौका देगा। आज बीजेपी का वक्त जरूर है, ये बात याद रखना, पर ये जब 50 साल विपक्ष में बैठे हैं ना, अब की बड़ी 150 साल तक इनकी पुश्तें भी विपक्ष में बैठेंगी, क्योंकि अब की बार कांग्रेस आई तो एक देश के लोग जागेंगे और देश को मजबूत करेंगे, और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ संसद के बाहर बैठ के धरने करती रहेगी और कुछ नहीं होगा। सर आखिरी सवाल है कि कर्नाटका के अंदर सब्जेक्ट जो है भगत सिंह का 5वीं क्लास से हटा दिया गया है, और सब्जेक्ट डाला गया है जिसने आरएसएस की स्थापना की थी, उनकी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, उनको उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। देखिए ये चीज तो आपने देखी है कि केजरीवाल ने ही प्रोपेगेंडा शुरू किया। सबसे पहले पंजाब से गांधी की फोटो हटाई गई तो मौके किसने दिए? आज ये दोनों संगी हैं, केजरीवाल भी संगी है, मोदी और होता वैसे संगी का टैग लगा के घूमते हैं। तो आज ये दूर नहीं है दिन कि जब भगत सिंह का नाम किताबों में हमें ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा, राजगुरु का नाम नहीं मिलेगा, महात्मा गांधी को नोटों से गायब कर दिया जाएगा। वो दिन दूर नहीं है जब देश की संस्कृति से खिलवाड़ होगा, और आज नहीं वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा अगर ये पार्टी सत्ता में रही। इसलिए देश को बचाना है तो इस पार्टी को भगाना है।